धनबाद जिला सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद हत्या मामले आज सीबीआई के विशेष अदालत में न्यायाधीश रजनीकांत पाठक ने दोनों आरोपी लखन वर्मा राहुल वर्मा को ताउम्र कैद और 25,000 जुर्माना की सजा सुनाया है। जिला सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद हत्या मामले में ऑटो चालक दोनों आरोपी को सजा 1 वर्ष 9 दिन में सुनाया फैसला गया है। जज हत्या मामले में आरोपी पक्ष और जज के रिश्तेदार दोनों असंतुष्ट है। दोनों ही ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि जज उत्तम आनंद हत्या मामले में जेल में बंद आरोपी लखन वर्मा राहुल वर्मा को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। आजीवन कारावास के तहत दोनों आरोपी को ताउम्र जेल में ही रहना है। 25,000 का जुर्माना भी अदालत ने सुनाया है। सजा का फैसला आने के बाद आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा के वकील कुमार बिमलेंदु ने कहा कि वह फैसले से संतुष्ट नहीं है। यह मामला हिट एंड रन का था, जानबूझ कर नहीं मारा गया था, लेकिन इसे 302-201 धारा का रूप दिया गया। फैसले को लेकर ऊपरी अदालत जाएंगे। वहीं जज उत्तम आनंद के रिश्तेदार विशाल आनंद ने कहा कि यह जुड़ियस्थल पर हमला है और इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए थी। वह इसे लेकर ऊपरी अदालत में जाएंगे। फाइन लगाया है 300 दिए बीच में, और अगर ये फाइन अगर ये नहीं भरते हैं तो इसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर का होगा। दूसरा है 201-34 रिस्ट्रिक्शन ऑफ एविडेंस विद कॉमन इंटेंसी, इसमें 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट किया है और 10,000 रुपीज़ फाइन किया है, और अगर डिफॉल्ट ऑफ फाइन होता है तो 6 मंथ का एडिशनल इम्प्रिजनमेंट होगा, और ये दोनों सेंटेंस जो है कंकरेंटली रन करेगी, दोनों इंस्टा रन करेगी। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ फाइन विल गो टू द विक्टिम्स फैमिली। ये ताउम्र कैद में रहेंगे? यस सर, ताउम्र ही कैद में रहेंगे। अपील में सब जाएंगे? अपील में जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट में शायद हमारे पक्ष में कुछ लेसर पनिशमेंट आए, या हो सकता है कि हमारा एक्विटल भी हो। ये जो सजा सुना है इससे कितना संतुष्ट है? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। क्या होना चाहिए? फ्रॉम द डे वन हम जिस तरह से इस केस को लीड किए थे, ये 304 पार्ट 2 का मामला था, कल्पेबल होने शायद नॉट अमाउंटिंग, अगेन द सेम कनेक्शन इज मिसिंग। वाई अ रोड साइड ऑटो ड्राइवर व्हीकल आर सिटिंग जज, कोई कनेक्शन नहीं है। क्या ऐसा कोई तथ्य सामने आया है? अकॉर्डिंग टू मी ऑन रिकॉर्ड ऐसा कोई डायरेक्ट जो एविडेंस हो सीबीआई ने बताया। मतलब आप मान रही है एक्सीडेंट था, हत्या नहीं? मैं अभी भी मानता हूँ ये एक्सीडेंट हत्या। सर अपना परिचय दे दीजिए। सर कुमार बिमलेंदु। इसमें जजमेंट आया, न्यायपालिका ने अपना पक्ष आजीवन कारावास दिया है टिल डेथ, जब तक उनकी मौत नहीं तो ये रिमिशन का उनका जो है प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया कि जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक जेल में रहेंगे। लेकिन ठीक है, न्यायपालिका का अपना मंतव्य है, लेकिन इन लोगों को तो जो कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे परिवार में तो क्षति हुआ है, वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन ये न्यायपालिका पर हमला है और इससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। इसलिए इस ऑर्डर को हम लोग देखते हैं, ऑनरेबल कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उसी में आप लोग इतना पूछ रहे हैं, तो अभी हमने बताया था कि आज फैसला होना था, दोनों पक्षों से सेंटेंस के पॉइंट पर सुनवाई अभी हुआ है, और प्रोसिक्यूशन के तरफ से फांसी की सजा के लिए किया गया, डिफेंस के तरफ से कम उम्र का परिवार को देख करके लीनियंट व्यू लेने का किया गया। कोर्ट के बहुत बारीकी से अध्ययन करके ये पाया कि ये जो एक्सीडेंट का रूप नहीं होकर के टेम्पो को चोरी करके टेम्पो को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करके इससे हत्या करने का नियत से उसको हत्या किया, फिर उसको आगे जा करके छिपाया, और वो लोग ड्रंकन स्टेट में नहीं थे, कई तरह का जो डिफेंस लिया गया ये सीधा सीधी जानबूझ करके किया गया मर्डर का केस साबित हुआ। इसी के आधार पर आजीवन कारावास का सजा दिया, और आजीवन में कई बार जो गिनती होता है उसका जेल मैनुअल के हिसाब से 14 साल के बाद कई बार छूट जाते हैं, तो जज साहब ने इसमें ऐसा उपाय किया कि ऐसा अपराधी
जो सिटिंग जज को जुडिशियल सिस्टम पर अटैक है, जो पूरा देश के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ऐसे अपराधी को फिर निकल कर दोबारा घटना कर सकता है, इसलिए उनको ऐसा सजा दिया गया टिल लास्ट ब्रेथ वो जेल में रहेंगे, अंतिम श्वास तक वो जेल में रहेंगे, यही सजा उनको प्रोनाउंस किया गया। 25,000 का जुर्माना भी दिया गया है और विक्टिम कंपनसेशन के लिए उसको डालसा में भी भेजा गया है, तो उनके परिवार को जो उचित मुआवजा होगा उसको मिलेगा। यही किए आज का सजा है, मैंने आजीवन कारावास का सजा है। कोई मोटिव भी पता चला है क्या? कुछ ऐसा तो है ना, आप टेम्पू खरीद करके टेम्पू को चोरी करके उससे आप घटना खरीद, मोटिव है, और बचने के लिए किए थे कि वो एक्सीडेंट का रूप दे दें।